केंद्रीय विदेश मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने शनिवार को केंद्र की भाजपा नीति सरकार की नीतियों पर कटाक्ष किया। उन्होंने जहां केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की निंदा की, वहीं अफगानिस्तान मामले पर उसका सहयोग करने का आश्वासन दिया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जहां तक राष्ट्रीय हित का सवाल है, हम केंद्र सरकार का पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। 31 अगस्त को अमेरिका ने अपना आखिरी सैनिक वहां से विड्रॉ किया है, उसके बाद अब हम किसके सहारे वहां रहेंगे और कैसे अपने लोगों को वहां से निकाल पाएंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इन सब प्रश्नों पर सिर्फ एक बात सुनने में आती है कि भारत सरकार ने कह दी है कि वेट एंड वॉच, अभी देखते हैं। हमें मालूम है कि उन्होंने कई बार तालिबान से बात करने का प्रयास किया, वो प्रयास किया तो सबकी सहमति से किया, प्रयास छुप कर किया, और प्रयास में क्या हुआ वो सबके सामने वो क्यों नहीं रखते, एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन जहाँ भी राष्ट्रीय सोच और राष्ट्रीय हित की बात आएगी, हम सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे, लेकिन आंख बंद करके सहयोग नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संभावित महागठजोड़ के सवाल पर सलमान का जवाब था कि या आस्था का मामला है, दिल से दिल मिलेगा तभी गठबंधन होगा, नहीं तो एकला चलो या जिसने कहा था अकेला ही चला जा रहे मंदिर मगर लोग आते गए, कालवा बनता गया, उसने कभी ये नहीं बताया था कौन आएगा और कौन नहीं, ये कभी नहीं बताया था। तो मुझसे क्यों बता रहे, जो कोई नहीं बता पाया वो मैं कैसे बताऊंगा। इनको दिल के जोड़ने से मिलेगी, सब लोगों का दिमाग जुड़ा हुआ है, सबका दिमाग जुड़ा है, इसकी मैथमेटिक्स जो है और इसकी जो अर्जेंसी है वो क्या है, वो सब मान रहे हैं, इसलिए वो एक मंच पे आते भी। अब सिर्फ बिल जोड़ने की बात है।